नॉर्मली काली माँ की जो मूर्ति होती है उसमें नियम के अनुसार काली माँ ने कभी भी दोनों पैर अपने शिव जी के ऊपर नहीं रखे हैं, तो अधिकांशतः 80% मूर्तियां ऐसी होती है जो शिव जी के ऊपर दोनों पैर रखी हुई होती है, तो वह मूर्ति ऐसी मूर्ति गलत मूर्ति कही जाती है। साथ ही साथ में ऐसा भी माना गया है कि काली माँ का ऊपर के एक हाथ में उनके ध्यान का जो मंत्र है उस मंत्र के अनुसार ऊपर पहले खड़ग होना चाहिए एक हाथ में, और उसी खड़ग के ही नीचे त्रिशूल होना चाहिए शस्त्र, क्योंकि काली माँ आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में नहीं होती है। काली माँ की मूर्ति में एक तरफ खड़ग होता है, उसी के नीचे दूसरा जो हाथ होता है उस हाथ में त्रिशूल होता है, और दूसरी तरफ जो हाथ होता है उसमें ऊपर की तरफ जो है मुंड होता है, और मुंड के नीचे जो हाथ होता है दूसरी तरफ उसमें खप्पर होता है, और जिह्वा बाहर निकली हुई होती है, थोड़ा मुंह उनका खुला हुआ होता है। यह उस मूर्ति की मतलब काली माँ की ध्यान जो कई जगह लिखा हुआ है उसके विश्लेषण के अनुसार ऐसा माना गया है कि ये इस प्रकार की मूर्ति की पूजा करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। गलत तरीके से बनाई गई मूर्ति की पूजा करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा अपने यहाँ शास्त्र कहता है कि हम जिस प्रकार की मूर्ति की पूजा करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। यदि गलत बनाई गई मूर्ति की पूजा करोगे तो गलत फल की प्राप्ति होगी, और सही तरीके से बनाई गई मूर्ति की पूजा करोगे तो सही फल की प्राप्ति होगी।